भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज बड़ा बयान दिया है। 4 अगस्त के बाद लॉकडाउन को लेकर जो अफवाहें थी उस पर उन्होंने स्टैंड क्लियर करते हुए कहा है कि 4 अगस्त के बाद भोपाल में लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। हालांकि दूसरे विकल्पों पर विचार करने की बात उन्होंने जरूर कही है। कोरोना की रोकथाम के लिए और संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दूसरे अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा, लेकिन 4 अगस्त के बाद सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, सरकार की ऐसी कोई फिलहाल एक्शन नहीं है कि वो लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ाएगी। जाहिर है कि फिलहाल राजधानी भोपाल में कोरोना की जिस तरह से रफ्तार एक बार बढ़ी थी, उसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया था बीते दिनों 10 दिनों का लॉकडाउन लगाने का। और फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर मसला, जो एक अफवाह उड़ रही थी कि क्या 4 अगस्त के बाद सरकार एक बार फिर भोपाल में लॉकडाउन की जो अवधि है उसे बढ़ाएगी, तो नरोत्तम मिश्रा ने इस पर स्टैंड क्लियर कर दिया है। सरकार अभी ऐसा कोई विचार नहीं कर रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, इसे रोकने के लिए दूसरे यानी कि अन्य विकल्पों पर सरकार जरूर विचार कर रही है कि क्या ऐसे दूसरे विकल्प हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं। तो 4 अगस्त के बाद फिलहाल लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, 10 दिनों का लॉकडाउन आपको बता दें इस वक्त भोपाल में चल रहा है और आज 5वां दिन है लॉकडाउन का। हालांकि सरकार की प्राथमिकता यही है कि प्रदेशवासियों के हित में सरकार फैसले ले और कोरोना की संक्रमण की जो रफ्तार है वो प्रदेश में तोड़ने की सरकार की पूरी कोशिश है, उसे कम करने की कोशिश है, क्योंकि दो प्रमुख शहर जो प्रदेश में है, एक तरफ इंदौर एक तरफ भोपाल, और बीते दिनों दोनों ही शहरों में कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़े, यही सरकार का एक कारण रहा फैसला लेने के पीछे, सरकार की मंशा भी यही है। और अब चूंकि 10 दिन में से 5 दिन है आज पांचवा दिन, और अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तो 4 अगस्त के बाद एक बार फिर बाजार जरूर खुलेंगे भोपाल में, लेकिन दूसरे विकल्पों पर भी सरकार फिलहाल विचार कर रही है। ऐसे में बता दें आपको कि लगभग काम भी जो हैं सारे वर्चुअली हो रहे हैं। सरकार के जो मुखिया हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं। नरोत्तम मिश्रा ने फिलहाल ये बयान दिया है कि अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली बैठक कल ही ले चुके हैं। मंगलवार को उन्होंने अस्पताल से ही वर्चुअल बैठक ली थी जिसमें तमाम मंत्री घर से शामिल हुए थे। और फिलहाल चूँकि शिवराज सिंह चौहान अभी करीब करीब 6 से 8 दिन और अस्पताल में रह सकते हैं, और इधर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा था आपको सुनाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इन तारीखों को और आगे बढ़ाना है, शायद कोई और विकल्प पर भी विचार करेंगे, और कोई विकल्प नहीं मिलेगा तब इस विकल्प की सोचेंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी दूसरे विकल्पों की ओर होगी, न कि लॉकडाउन बढ़ाने की ओर। हम रुक करेंगे कोमल शर्मा, हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है ज्यादा बातचीत करने के लिए। कोमल, हमने देखा कि मध्य प्रदेश में सरकार अलग अलग स्टेप तो ले चुकी है कोरोना की संक्रमण की रोकथाम के लिए। पहले सप्ताह में एक दिन टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया गया, ऑड इवन का फॉर्मूला भी तय किया गया, 10 दिन का लॉकडाउन भी कर दिया गया, लेकिन अब अन्य विकल्प क्या बचते हैं सरकार के पास? दीपक, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब आखिर कौन से और विकल्प होंगे जिन पर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन पहले एक हफ्ते में एक दिन का लॉकडाउन, उसके बाद अब 10 दिन का लॉकडाउन किया गया है, लेकिन लॉकडाउन का असर जो है वो कोरोना पर नजर नहीं आता। आज ही की बात करें तो 246 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जो है वो भोपाल में सामने आया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। ऐसे में जब उनसे ये सवाल किया गया कि 4 तारीख को जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद क्या सरकार आगे लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है, तो साफ तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा और सरकार की कोशिश यही होगी, प्राथमिकता यही होगी कि लॉकडाउन को छोड़कर दूसरे विकल्पों को अपनाए सरकार, और इसलिए दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। वो दूसरे विकल्प क्या होंगे, क्या एक दिन छोड़कर एक दिन दफ्तर खोलने पर विचार किया जाएगा, ऑड और इवन के उस पर विकल्प पर विचार किया जाएगा, फिलहाल विकल्प क्या होगा इस पर तो नरोत्तम मिश्रा ने खुलासा नहीं किया, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले सरकार दूसरे विकल्पों के बारे में सोचेगी, उन पर विचार करेगी, अगर वो काम नहीं करते उसके बाद ही लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। दीपक, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ कोमल, एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे। तो ये एक बड़ा मसला है सरकार के लिए, एक बड़ा चैलेंज भी है कि आखिर इस चेन को तोड़ने के लिए कोरोना संक्रमण की
आखिर सरकार अब कैसे आगे आने वाले वक्त में जो है आगे सख्त एक्शन लेती है या क्या फैसला लेती है, ये देखना होगा।